नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। रूसी सुखोई 25 ने कहां बरपाया है कहर, कैसे ध्वस्त हुआ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, आइए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच एक साथ कई मोर्चों पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के 24वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने विध्वंसक हमला बोलते हुए रूस के स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। रूसी वायुसेना ने डोनेस्क इलाके में एयर स्ट्राइक की है। रूसी SU-25 फाइटर प्लेन ने यूक्रेनी इलाकों में बारूदी बरसात की है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के गढ़ पर मिसाइल से प्रहार किया। हमले के बाद पूरा इलाका बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। यूक्रेन के वॉर जोन में किलर ड्रोन ने कहर बरपाया है। रूसी खेमे में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन ने बारूदी बरसात की है। खेरसोन के ओलेस्किव इलाके में यूक्रेनी सेना काफी आक्रामक दिखी। हमले में रूसी D-30 होविट्ज़र समेत कई हथियार ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के कुप्यांस्क में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला बोला है। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए यूक्रेनी फोर्स को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी मोर्टार चालक दल पर हमले का वीडियो जारी किया है। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण गनफाइट जारी है। दोनों सेनाओं में आमने सामने की जंग हो रही है। यूक्रेन के 8वीं बटालियन ने रूसी इलाके में घुसकर गोलियों की बौछार की। हमले के बाद पूरा वॉर जोन थर्रा गया। यूक्रेनी सेना वॉर जोन में रूसी टैंक पर लगातार प्रहार कर रही है। यूक्रेन के 103 सेपरेट ब्रिगेड ने युद्ध के मैदान में मौजूद रूसी टैंक पर विध्वंसक हमला बोला है। हमले के बाद यूक्रेनी टैंक में आग लग गई और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। अवदीवका में कब्जे को लेकर रूस यूक्रेन में आर पार की लड़ाई जारी। यूक्रेन की 110वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड सेना ने रूसी काफले पर करारा वार किया। वॉर जोन में आगे बढ़ रही सेना पर ताबड़तोड़ हमला बोला। हमले में कई आर्म्ड व्हीकल ध्वस्त हो गए। रूस के ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर भीषण हमला बोला है। रूस ने ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से प्रहार किया है। एक विशेष अभियान के तहत रूसी सेना ने यूक्रेन के मजबूत गढ़ को ड्रोन से हमला कर दहला दिया। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। विदेशी हथियारों के बल पर वॉर जोन में यूक्रेन रूसी सेना को टक्कर दे रहा है। जंगी मैदान में 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्ज़र सीजर काफी एक्टिव है। इसराइल ने हमास के कितने ठिकाने ध्वस्त किए हैं, वेस्ट बैंक में IDF पर किसने किया हमला, विध्वंसक खबरों के लिए देखते हैं इसराइल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। गाजा में बारूदी गदर जारी है। इजरायली सेना खान यूनिस इलाके पर अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। IDF ने हमास के इस गढ़ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। गाजा में इजरायली सेना ने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। IDF का दावा है कि उसके जवानों ने कई जगह भीषण कार्रवाई करते हुए हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया है। आर पार की लड़ाई में दर्जनों हमास लड़ाके मारे गए हैं, उसके कई ठिकाने जमींदोज हो गए। गाजा के वॉर जोन से एक विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके हथियार लेकर सड़क पर जा रहे हैं। इस दौरान बारूद की बारिश हो रही है। बारूदी हमले के बाद हमास को काफी नुकसान हुआ है। गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके में इसराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। खान यूनिस में IDF के हमले की विध्वंसक तस्वीर सामने आई। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद खान यूनिस में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। खान यूनिस पर लगातार हो रहे हमले के बाद कई इलाकों में बिजली की समस्या पैदा हो गई। खान यूनिस का अल नसर अस्पताल अंधेरे में डूब गया है। अस्पताल में पावर सप्लाई रुकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गाजा पट्टी में इसराइल ने एक इमारत पर बारूदी बौछार की है। इजरायली वायुसेना ने एक इमारत पर मिसाइल हमला कर जमींदोज कर दिया। इस हमले में 15 आम लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद लोगों में काफी दहशत है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। वॉर जोन में मौजूद IDF के जवानों पर हमास समर्थकों ने जमकर पत्थरबाजी की। नेबलस के फुरीक शहर में छापेमारी करने गई IDF की टीम पर फिलिस्तीनियों ने हमला किया। वेस्ट बैंक के जरिन में इजरायली सेना लगातार छापेमारी कर रही है। हमास समर्थकों के घरों पर इजरायली बुलडोजर का कहर जारी है। जरिन से आए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मुख्य चौराहे को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। गाजा पट्टी पर पिछले 110 दिनों से लगातार हमले जारी है। गाजा का पूरा इलाका खंडर बनने के बाद भी हमले रुक नहीं रहे हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि गाजा में अब तक 26,200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं,
जबकि 65,500 लोग घायल हुए हैं। पुतिन ने ब्रिटिश जहाज पर कहा किया हमला। ताइवान में कितने चीनी फाइटर जेल में की है घुसपैठ। विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। लाल सागर में हुती ने ब्रिटिश जहाज को निशाना बनाया। ब्रिटेन के कार्गो जहाज पर हुती ने मिसाइल से हमला किया। ब्रिटिश टैंकर मार्लिन रुआंडा को हुती ने उस वक्त मिसाइल से निशाना बनाया जब वो अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। हमले के बाद कंटेनर में आग लग गई। हुती विद्रोहियों ने ब्रिटेन के मार्लिन रुआंडा शिप पर मिसाइल से हमला किया। ब्रिटिश जहाज पर मिसाइल हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई। हुती ने ये हमला अदन की खाड़ी में मौजूद शिप पर किया। अमेरिकी धमकी के बाद भी लाल सागर में हुती विद्रोहियों का आतंक जारी है। हुती ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर विध्वंसक प्रहार किया। यूएसएस कार्नी ने हुती द्वारा दागे गए मिसाइल को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि हुती हमले में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हुती के हमले से नाराज अमेरिका और ब्रिटेन ने एयर स्ट्राइक की है। होदेइदाह के रास इस्सा पोर्ट पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई हमलों का दावा किया है। हमले में हुती के कई ठिकानों को टारगेट किया गया। ये हमला हुती के स्ट्राइक के बाद की गई है। उत्तरी इराक में यूएई के ऑयल स्टोरेज पर कताइब हिजबुल्लाह ने आत्मघाती ड्रोन से हमला बोला है। ड्रोन अटैक के बाद ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई। ऑयल डिपो में लगी आग की लपटें काफी दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी हालात बदल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन के बीच इसराइल अमेरिका ने सबसे बड़ी डिफेंस डील की है। इसराइल अमेरिका से फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिकी हथियार इसराइल पहुंच जाएंगे। चीन और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। ताइवान का दावा है कि 11 चीनी विमानों ने ताइवान की सीमा को पार करने की कोशिश की। चीन से तनातनी के बीच ताइवान अब बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए ताइवान ने एंटी शिप मिसाइल कमांड सेंटर बनाया है। ताइवान में बार बार चीनी घुसपैठ को देखते हुए तैयारी की जा रही है। ताइवान के पास अमेरिकी वॉरशिप आने के बाद चीन से तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने कहा कि ताइवान स्टेट में यूएस वॉरशिप से जंगी आग भड़क सकती है। वॉरशिप की तैनाती को चीन ने उकसावे की कार्रवाई बताया है। विश्व में और क्या हो रहा है देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू को चुनौती देते हुए कहा है कि वो बिना अमेरिकी मदद के कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका मदद ना करे तो नेतन्याहू 10 मिनट भी नहीं टिकेंगे। यूरोप में परमाणु युद्ध की चिंगारी भड़कती जा रही है। 15 साल बाद अमेरिका ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाला है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी का दावा है कि रॉयल एयरफोर्स स्टेशन लेखन हीथ में तैनाती का प्रस्ताव। ब्रिटेन में अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन की तैयारी पर रूस लाल हो गया है। रूस ने इस खबर पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि परमाणु हथियार की तैनाती उकसाने वाला कदम है। रूस ने कहा अगर ऐसा हुआ तो जवाबी कार्रवाई के लिए रूस कदम उठाएगा। रूस और नाटो के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। रूस अब नाटो से परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस बहुत जल्द सैटेलाइट किलर सरमत बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध में शामिल करने की तैयारी में है। यह ऐलान रूस के उप रक्षा मंत्री क्रिवो रुचको ने किया। इंडिया और सऊदी अरब की सेना राजस्थान के रेगिस्तान में जॉइंट एक्सरसाइज करने जा रही है। दोनों सेनाएं 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक युद्ध अभ्यास करेंगी। भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है।